शाहरुख खान और सलमान खान फिर नजर आए एक साथ। जी नहीं, हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद की बेटी अदिति की शादी की। जी हाँ, दोनों BFFs हाल ही में अटेंड करने पहुँचे अदिति की वेडिंग सेरेमनी। सलमान और शाहरुख की ट्विटर पे बने फैन क्लब्स ने ट्विटर पर ही साझा की दोनों की शादी की तस्वीरें। पिक्चर्स में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों स्टार्स ने ट्विनिंग करते हुए ब्लैक सूट पहन रखे थे और बढ़ी हुई बियर्ड में दोनों बहुत ही हॉट लग रहे हैं। वैसे हमें शाहरुख और सलमान की अब तक कोई पिक्चर साथ में तो दिखाई नहीं दी है, पर हम उम्मीद करेंगे कि हमें जल्द ही दोनों की साथ में पिक्चर भी दिखाई देगी। आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी के बाद फिर से दोनों एक साथ किसी पार्टी में नजर आए हैं। दोनों इफ्तार पार्टी में मौजूद थे, पर फिर भी दोनों की साथ में एक भी पिक्चर सामने नहीं आई। हम उम्मीद करते हैं कि इस वेडिंग इवेंट में दोनों की साथ में पिक्चर देखने को मिल ही जाएगी। आपका क्या कहना है इस पे, बताएं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। ट्यूबलाइट मूवी की शुरुआत भले ही स्लो रही और फिल्म को ऑडियंसेस से स्लो रिस्पांस मिला, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने सिक्स डे अपने आप को 100 करोड़ क्लब में शामिल कर ही लिया। पर फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अपना सिक्का जमा नहीं पाई। बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने कुछ कामयाबी जरूर हासिल की और अब ट्यूबलाइट सलमान की 10th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। इस फिल्म ने कुल 116 करोड़ का बिजनेस किया और इसी के चलते इस फिल्म ने उनकी फिल्म जय हो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जय हो ने कुल 111 करोड़ की कमाई की थी। तो माना कि फिल्म स्लो रिस्पांस रेट से बढ़ रही है, पर ऐसे कहा जा सकता है कि फिल्म जल्द ही फ्रेडी का रिकॉर्ड तोड़ के 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स बन जाएगी। वेल, सलमान फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सुन के, बताएं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।